वाह स्वादिष्ट। तो आ रहा है ना आपके मुंह में पानी, ये है आलू बोना ढाबा स्टाइल एकदम। सो गाइस चलो इसकी रेसिपी स्टार्ट करते हैं। हेलो गाइस वेलकम बैक टू माय चैनल, कैसे हो आप सब, मज़े में हो ना, मैं भी मज़े में हूँ। तो जैसे कि आपने स्टार्टिंग में देखा तो आज हम बना रहे हैं आलू बुना, एकदम ढाबा स्टाइल बनाएंगे गाइस। बहुत ही यमी बहुत ही स्वादिष्ट रेसिपी है गाइस। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। इसको हम रुमाली रोटी या फिर अचार पापड़ के साथ सर्व कर सकते हैं। हम सबसे पहले लेंगे आलू, आलूओं को हम अच्छे से बॉईल कर लेंगे। ये हमारे आलू अच्छे से बॉईल हो चुके हैं, इनको हम छील के कट कर लेंगे। कट कैसे करना है वो मैं आपको बता देती हूँ। ये देखो एक आलू लिया मैंने, अच्छे से छील लिया था इसको, ऐसे मिडल में से इसको ऐसे कट करना है नाइफ से। फिर ऐसे फोर पीसेस कर लेंगे इसके लंबे लंबे, फिर छोटे छोटे, ज़्यादा छोटे नहीं, मीडियम साइज़ के कट कर लेंगे इस तरह से। ये देखो मैंने बस एक आलू कट करके दिखाऊंगी आपको, ज़्यादा नहीं दिखा रही, मुझे मालूम है आप एक ही बारी में समझ जाते हैं। तो देखो सारे आलू मैंने कट कर लिए अच्छे से, ऐसे मीडियम साइज़ कट कर लिया। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आ रही हो तो लाइक करना तो बिल्कुल ना भूलें गाइस। देखो आलू कट कर चुके हैं। चलो अब हम गैस पर रखेंगे एक पैन, पैन में हम डालेंगे सरसों का तेल, इसको हम थोड़ा सा गर्म हो जाने देंगे। तब तक साइड में हम कर्ड मिक्स बना लेते हैं, इसमें हम डाल, ये मैंने लिया है दही, दही में हम डालेंगे थोड़ी सी कश्मीरी लाल मिर्च, ये कश्मीरी लाल मिर्च डाल दी, इसका कलर काफ़ी अच्छा था गाइस। फिर हम डालेंगे इसमें हल्दी पाउडर, और ये कश्मीरी लाल मिर्च तीखी भी कम होती है। फिर हम डालेंगे इसमें धनिया पाउडर, फिर हम डालेंगे इसमें जीरा पाउडर, ये सारे मसालों को अच्छे से मिक्स कर देंगे दही में। साइड ही साइड हमारा ऑयल भी गर्म हो रहा है, ये देखो अच्छे से मिक्स कर लेंगे इसको। गाइस अब मेरे चैनल पर अगर नए हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लो। आई होप आपको मेरी वीडियोस पसंद आ रही होंगी। ये देखो अच्छे से मिक्स हो चुका है ये, और हमारा ऑयल भी गर्म हो चुका है। इसमें हम डालेंगे जीरा, जीरे को अच्छे से चटकने देंगे। फिर डालेंगे हम बारीक कटा हुआ प्याज, ये प्याज डाल रही हूँ मैं बारीक कटा हुआ, इसको हम अच्छे से भून लेंगे प्याज को, अच्छा सा गोल्डन क्रिस्प हो जाने देंगे, ब्राउन भी हाई फ्लेम पे भूनना है। अच्छे से चलाती जा रही हूँ मैं। फिर हम डालेंगे इसमें बारीक कटा हुआ अदरक, अदरक को भी डाल दिया मैंने अच्छे से, अदरक को भी अच्छे से पक जाने देंगे। फिर हम इसमें डालेंगे बारीक कटी हुई हरी मिर्ची, हरी मिर्ची को भी अच्छे से पक जाने देंगे। गाइस अगर आप मेरे चैनल पर कम्युनिटी पोस्ट नहीं देखते हो तो प्लीज़ देख लिया करो, इंटरेस्टिंग क्वेश्चंस होते हैं उसमें और मेरी वीडियोस के थंबनेल्स वगैरह भी होते हैं उसमें, अच्छे से लाइक करें। इसमें डायरेक्ट लिंक वहीं से मिल जाता है। फिर हम इसमें डाल देंगे अब कर्ड का मिक्स जो हमने मलाया था, अच्छे से स्टर करते रहेंगे, कंटिन्यूसली चलाते रहेंगे। उसमें अच्छे अच्छे क्वेश्चंस होते हैं गाइस कम्युनिटी पोस्ट में, और कुछ रेसिपी जो अच्छी चल रही है मेरी उनकी लिंक डायरेक्ट वहीं से मिल जाती है, आपको सर्च करनी नहीं पड़ेगी मेरी मतलब चैनल पे, ऐसे डायरेक्ट लिंक पे क्लिक करो और मिल जाती है। फिर हम इसमें डाल दिया मैंने बारीक कटा हुआ हरा धनिया, ताज़ा हरा धनिया, अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अब इसमें हम डालेंगे प्यूरी टमाटर की, टमाटो प्यूरी, अच्छे से टमाटर को भी पक जाने देंगे। अच्छे से मिक्स कर लिया मैंने, टमाटर जल्दी पक जाए तो उसके लिए हम डालेंगे इसमें नमक स्वाद के अनुसार, नमक डाल दिया, इसको भी अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अब इसमें हम डालेंगे गरम पानी, हल्का सा गरम पानी कर लिया था मैंने साइड में, जैसे टेस्ट बरकरार रहता है। अगर आप इसमें ठंडा पानी डालते हैं ना तो टेस्ट ऊपर नीचे हो सकता है, और गरम पानी डालेंगे तो एकदम जैसे टेस्ट आप चाहते हो वैसा ही टेस्ट आएगा। अब हम इसमें डालेंगे गरम मसाला अपने तीखेपन के अनुसार, जितना आप तीखा खाते हो उतना गरम मसाला डालें। गरम मसाले को मैंने अच्छे से मिक्स कर लिया है। अब इसमें हम डालेंगे कसूरी मेथी,
अच्छे से हाथों से रब करके डालेंगे, अच्छे से बॉईल होने देंगे इसको 2-3 मिनट तक। फिर इसमें हम डालेंगे बारीक कटा हुआ हरा धनिया, इसको भी अच्छे से मिक्स कर लेंगे। ये हमारी भुना ग्रेवी रेडी है। अब हम गैस का फ्लेम कर देते हैं बंद। अब हम गैस पर रखेंगे दूसरी कढ़ाई, ये दूसरी कढ़ाई रख दी है। इसमें हम डालेंगे घी, अगर आपके पास बटर हो तो आप बटर का भी यूज़ कर सकते हैं। फिर हम डालेंगे इसमें अनियन यानी कि प्याज स्लाइस की हुई है, हाई फ्लेम पे करना है गाइस ये वाला प्रोसेस। फिर हम डालेंगे ऐसी लंबी लंबी कट की हुई शिमला मिर्ची, पहले हम प्याज को जाने देंगे अच्छे से, उसके बाद डालेंगे, ज़्यादा जल्दबाजी करने का नहीं। अब हम शिमला मिर्ची डाल देते हैं, शिमला मिर्ची को भी अच्छे से मिक्स कर लेंगे, हाई फ्लेम भी कर रही हूँ ये वाले प्रोसेस गाइस। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आ रही हो तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। ये डाल दिया मैंने बारीक कटी हुई हरी मिर्ची, इसको भी अच्छे से पका लेंगे। अब इसमें हम डाल देते हैं जो हमने आलू काटे थे ना स्टार्टिंग में, वो वाले आलू डाल देते हैं। ये आलू भी डाल दें, अच्छे से मिक्स कर देते हैं इसको। गाइस आप मेरे चैनल पे बाकी वीडियोस भी देखते रहें, आई होप आपको मेरी वीडियोस पसंद आ रही होंगी। अब इसमें हम डाल देंगे थोड़ा सा चाट मसाला, अगर आपके पास चाट मसाला ना हो तो आप कोई और मसाला भी यूज़ कर सकते हैं। अच्छे से मिक्स कर लिया मैंने चाट मसाले को। अब हमने जो भुना ग्रेवी रेडी की थी ना पहले, उसको हम इसमें मिक्स कर देंगे। ये भुना ग्रेवी मैंने रेडी कर ली है, मिक्स कर दी इसमें अच्छे से, इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। वाह गाइस बहुत ही ज़्यादा अच्छी खुशबू आ रही है, आप बिलीव नहीं करोगे, आप भी ज़रूर ट्राई करें, बहुत ही ज़्यादा अच्छी खुशबू आ रही है गाइस। मेरे को तो अभी लग रहा है इसे जल्दी से बन जाएगी, जल्दी से गर्मा गर्म रोटियों के साथ खाऊंगी या फिर आप पराठों के साथ भी खा सकते हैं। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें गाइस। ऐसे इसको हम 2-3 मिनट तक ऐसे ही पकने देंगे। अच्छे से पकने दे रही हूँ मैं। फिर से हम इसमें डाल देंगे बारीक कटा हुआ ताज़ा हरा धनिया, ये धनिया भी डाल दिया बारीक कटा हुआ। फिर इसको भी अच्छे से मिक्स कर लेंगे। ये सब्जी हमारी ऑलमोस्ट रेडी है, आलू बोना ऑलरेडी। चलो हम गैस का फ्लेम बंद कर देते हैं, प्लेटिंग कर लेते हैं। ये देखिए आलू बोना ढाबा स्टाइल एकदम तैयार हो चुका है, इसके ऊपर हम थोड़ी सी गार्निशिंग कर देंगे हरे धनिया से, अच्छा लगता है देखने में। ये देखिए कितनी प्यारी लग रही है ना गाइस, ये आलू बोना ढाबा स्टाइल रेसिपी एकदम बनकर तैयार हो चुकी है। ये देखिए आप, मैं आपको अच्छे से दिखा देती हूँ जूम करके, आप उसको रोटी वगैरह पराठे वगैरह किसी के साथ भी खा सकते हैं। वाह क्या कुछ आ रही है। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो गाइस प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें एंड मेरे चैनल पर कमेंट्री पोस्ट को भी देखते रहें। आई होप आपको मेरी वीडियोस पोस्ट वगैरह सब कुछ पसंद आ रहा होगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय बाय।